प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज की इस बाइबल स्टडी में प्रभु का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये समय और ये अवसर परमेश्वर ने हमें दिया। हम छोटी सी दुआ करें और बाइबल स्टडी में आगे बढ़ें। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हो, आप दयालु हो, आप अनुग्रहकारी हो। प्रभु, आज तक आपकी भलाइयों को हमने देखा है, हमने महसूस किया है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक आपकी आशीषों के लिए, चाहे समय कैसे भी हो, अच्छे या बुरे, कठिन हालात हो, पर परमेश्वर पिता, सदा आपका हाथ और आपकी कृपा हम पर बनी रही है और हमने ये महसूस किया है, आपकी हुजूरी को हमने अपने जीवनों में अनुभव किया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, बीते दिनों में आपने जो कुछ भी हमें सिखाया, अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, प्रभु हम धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, इस समय में मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, जितने भी लोग प्रभु आज इस ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, हर इसी के लिए प्रभु, हर सभी के लिए हम पश्चाताप करते हुए आपके चरणों में आते हैं। हमें क्षमा करें, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाजरी के लहू में, उस वाचा के लहू में हमें धोकर आप शुद्ध करें। पिता, आज हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और प्रभु, हमारी यह याचना है कि प्रभु, आज आपका वचन हमारे साथ बात करे, हम आपकी पहचान में बढ़े, आपके वचनों के द्वारा आपके बारे में हम सीखे, आपके प्रभुता के बारे में, आपकी डिविनिटी के बारे में हम जाने, और परमेश्वर पिता, आपका पुनरुत्थान, और परमेश्वर पिता, इस पृथ्वी के ऊपर से प्रभु आपने जो जीवन दिया, जिया, और जब लोगों के बीच में रहे और पुनरुत्थान के बाद भी आप लोगों के बीच में रहे, आप अपने खुद के पुनरुत्थान को लोगों के ऊपर जाहिर किया, और प्रभु यही आशा आपने हमें दी कि जैसे आप पुनरुत्थान हुए, जैसे आप अनंत हो प्रभु, वैसे ही आपके अनंत जीवन के हम भी बारिश बने। प्रभु, आज के वचन में हमारी अगुवाई करे पवित्र आत्मा, हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं। प्रभु, मेरा हृदय, मन, आत्मा, शरीर, प्राण, मेरी सोच, मेरे विचार मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु, मैं नहीं पर पवित्र आत्मा, आप हम सभी के साथ बात करिए, हमें सिखाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा आप बेस्ट टीचर हो। प्रभु, आप हम सभी को सिखाइए, हमारे साथ आज आप बात करिए। हमारी ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से है, आप सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। पिछली बाइबल स्टडी में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, ये विषय पे हम लगातार कई सेशन से हम बात कर रहे हैं। पिछली बाइबल स्टडी में हमने देखा था कि मसीहत ये कोई धर्म नहीं है। Christianity is not all about a religion, but it is about a person whose name is Lord Jesus Christ. मसीहत एक धर्म नहीं है, पर यह सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने देखा था कि वो सृष्टि करता है, वो निभाने वाला है, वो ओनर है इस संसार का, कलीसिया का वो सिर है, सब चीजों का वो सिर है, और पिता की परिपूर्णता सदैव प्रभु यीशु मसीह में वास करती है। कई सारी बातें हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखी थी, और एक चीज हमने देखी थी कि गॉड इन टोटालिटी, यदि परमेश्वर को उनकी परिपूर्णता में देखना है तो प्रभु यीशु मसीह में ही हम देख पा सकते हैं। ये उसी का कंटिन्यूएशन है। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की किताब, उसका 14वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से आगे। यूहन्ना की किताब का 14वां अध्याय, चैप्टर 14, 6वीं आयत से हम आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। यहां पर देखिए,
डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है, द, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। कोई भी स्टेटमेंट इस संसार के ऊपर यदि कोई बोले, कोई भी बात हम बताए, आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। या तो आप उनको इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे, या तो आप उनको उनके साथ सहमत होंगे, यू विल एग्री विद इट, और आइदर तीसरा ऑप्शन है आप उनके साथ कंटेस्ट करेंगे, यानी कि अपनी आर्ग्यूमेंट देंगे, आप लड़ेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे उस स्टेटमेंट के ऊपर। संपूर्ण मानव इतिहास में जब प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द बोला, उसने कहा कि मार्ग और सत्य और मैं और जीवन मैं ही हूं, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, मैं ही हूं। संपूर्ण मानव इतिहास में किसी के द्वारा बोला गया ये सर्व सामर्थी शब्द है, ये वाक्य है, कोई अपने बारे में कह रहा है और कह रहा है कि मैं ही मार्ग हूं। बहुत सारे मार्ग है और उसमें से मैं एक हूं, ऐसा नहीं कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। इसका मतलब है कि मेरे अलावा और कोई मार्ग नहीं है जो आपको पिता तक पहुंचा सके, जो आपको अनंत जीवन दे सके। मैं ही जीवन हूं, जीवन को देने वाला मैं हूं, जीवन का स्रोता, द सोर्स ऑफ लाइफ मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द है। आगे पढ़ते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो। इंग्लिश में जो लिखा है फ्रॉम नाउ यानी कि अब तुम मुझे जानते हो। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। देखो यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कहा कि आप पिता को जानिए तो आप मेरे बारे में जान पाओगे, नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है यदि तुमने मुझे जाना होता, यानी कि पिता से पहले पिता को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जानना आवश्यक है। इस संपूर्ण मानव इतिहास में परमेश्वर के बारे में लोग अलग अलग धारणाएं बांधे हुए थे, परमेश्वर के बारे में लोगों के अनुभव अलग अलग थे, जैसा हमने देखा पीछे बीते बाइबल स्टडी में, है ना, कि जैसा जिसका अनुभव रहा वैसे उन्होंने परमेश्वर के नाम दिए। किसी ने रहोबोत का खुदा कहा, किसी ने बैथेल का परमेश्वर कहा, किसी ने यहवे ईरे कहा, यहोवा ईरे कहा, अलग अलग अनुभव, और जैसे उनके अनुभव रहे उन्होंने उनका नाम दिया। पर पुराना नियम, आप कितना भी कोशिश कर ले, परमेश्वर की परिपूर्णता आप चित्रमान नहीं कर सकते, गॉड इन फुलनेस। कोई भी पुराने नियम को आप माध्यम बना के या आधार बनाकर परमेश्वर के बारे में सब कुछ कोई नहीं बता पाएगा। और परमेश्वर ने इस संसार के ऊपर अपने आप को प्रकट किया हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है, और वो हमने पिछले बाइबल स्टडी में देखा था कि गॉड इन फुलनेस, है ना, परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव किसी में वास करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। देखिए प्यारो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तुमने मुझे जाना होता, यानी कि पिता को जानना है तो मुझे जानो, और पिता को देखना है तो मुझे देखो। आगे पढ़ते हैं, फिलिपुस उनसे कहता है प्रभु यीशु से, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यदि हमारे लिए यही हमारे लिए बहुत है। तब उसके प्रत्युत्तर में यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे फिलिपुस, आगे नौवीं आयत, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? इतने समय से मैं तुम्हारे साथ रहा, इतने समय से आप मुझे देख रहे हो, मेरे साथ रहे हो, क्या अभी भी तुमने मुझे नहीं जाना है? फिलिपुस ने प्रश्न क्या पूछा था, क्या क्या उनकी डिजायर क्या प्रकट की थी, क्या इच्छा प्रकट की थी? फिलिपुस ने अपनी इच्छा रखी थी कि प्रभु हमको पिता दिखा दे। यीशु मसीह का उत्तर देखिए और समझिए। यीशु ने उत्तर दिया, हे फिलिपुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ था, इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? अभी भी तू मुझे नहीं पहचानता?
जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। यदि परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को जानना है, तो प्रभु यीशु मसीह को देखना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया पिछली बाइबल स्टडी में कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह पिता का भौतिक शारीरिक प्रतिनिधित्व है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फादर गॉड, ईश्वरत्व का, गॉड हेड का शारीरिक स्वरूप। परमेश्वर मनुष्य बना, पूरा संसार परमेश्वर को ढूंढता, सदियों से लोग परमेश्वर की खोज कर रहे थे। कुछ कुछ ग्लिम्स लोगों ने प्राप्त किए उनके अनुभवों के द्वारा, उनकी खोज के द्वारा, पर एक समय आया जब परमेश्वर ने अपने आप को नम्र किया, खाली किया। पुत्र जो परमेश्वर था अपने आप को खाली कर, यानी कि उनका मनुष्य देह धारण करना, वो अपने आप में नम्रता था। आप पत्री में पढ़ोगे, अगर वहां पर लिखा है कि उन्होंने ईश्वर होने का पकड़े नहीं रखा, पर अपने आप को खाली किया, अपने आप को नम्र किया। वो नम्र होना क्या है परमेश्वर के लिए? नम्र होना क्या है? वो मनुष्य बना। और यहां पर इस संसार के लोगों की, परमेश्वर की खोज पूरी हुई प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की खोज पूरी होती है। परमेश्वर मनुष्य बना और अपने लोगों के बीच में रहा, ताकि लोग अब परमेश्वर की परिपूर्णता में उनको जाने, उनको पहचाने, वो कैसा है, वो कौन है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका चरित्र कैसा है। वो पवित्र था, है ना, बाइबल बताती है कि वो पवित्र है। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप उन्होंने, शैतान का अंधकार का उसमें कुछ नहीं है। पूर्ण प्रकाश में रहने वाला परमेश्वर नम्र होकर, विराट और अगम्य परमेश्वर अपने आप को नम्र करता है और मनुष्य देह धारण करकर इस पृथ्वी पर आता है। और जब फिलिपुस उनसे कहता है कि हे प्रभु, हे यीशु, मुझे पिता को दिखा दे, परमेश्वर को दिखा दे, यीशु उनसे कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, उसने परमेश्वर को देखा है। परमेश्वर का विजिबल रिप्रेजेंटेशन प्रभु यीशु मसीह है। आगे की आयत, 10वीं आयत, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? समझिए प्यारो, है ना, धीरे धीरे पढ़िए और समझिए। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, पर पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के ही कारण मेरा विश्वास करो। ये बातें केलो और लोगों के समझने से परे थी। कैसे कोई इंसान विश्वास कर ले कि हाँ, सच में परमेश्वर मनुष्य देह धारण कर हमारे बीच में आया है? वहां यीशु मसीह कहते हैं, मेरी इन बातों पे विश्वास करो या फिर मेरे कामों के ही कारण विश्वास करो। देखो प्यारो, बीते दिनों में परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी। कोई भी इंसान को आप तीन रीति से जान सकते हो, पहचान सकते हो। एक, उनके नाम के द्वारा। दूसरा, उनकी आवाज के द्वारा, है ना, आवाज, शब्द के द्वारा, उनके मुख से निकले हुए शब्द के द्वारा। और तीसरा, उनके काम के द्वारा, है ना, उनके काम के द्वारा भी आप उनको जान सकते हो, पहचान सकते हो। नाम के द्वारा, हम सब की इस संसार में देखो, हर एक चीज की कोई ना कोई आइडेंटिटी है। हर एक चीज की, हर एक व्यक्ति की, हर एक इंसान की, हर एक प्राणी की, जो कुछ भी रचा गया है, सबका कुछ ना कुछ नाम है, आइडेंटिफिकेशन है ना, नाम, वो पहचान होती है। दूसरा, मैंने बताया कि हमारा एक है नाम, एक हमारे आवाज, शब्द। देखो, एदन की वाटिका में आपको पता है, जब आदम और हवा, उन्होंने वो फल, शैतान ने भरमाया, उन्होंने वो फल खाया, वो छुप गए। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर हर रोज की तरह वाड़ी में, वो एदन की वटिका में घूमने के लिए नहीं, हर रोज की तरह वो आता है, उनके आने का, उनके चलने का आवाज सुनाई दिया, ऐसा वहां पर लिखा है। और
एक आवाज आई है ना, वो चलता था और एक आवाज आई, जिस आवाज ने आदम और हवा के साथ बात की। आवाज है ना, उनके द्वारा आदम और हवा परमेश्वर को वहां पहचानते। देखो आज यदि ये कैमरा बंद हो जाए, आने वाले समय में विदाउट कैमरा यदि हम बात करें, सिर्फ ऑडियो कॉल के द्वारा हम बाइबल स्टडी चलाए, फिर भी जब मैं बाइबल स्टडी लूंगा, भले ही मेरा नाम ना लिखा हो, भले ही मेरा चित्र ना आ रहा हो, पर आपको पता चलेगा कि ये हितेश भाई बाइबल स्टडी ले रहे हैं। जब अमित भाई बात कर रहे होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले ही कैमरा बंद बंद हो, ये स्क्रीन ब्लैंक हो, पर आप समझ जाओगे कि ये पास्टर अमित बाइबल स्टडी ले रहा है। आवाज हमें पहचान देती है ना? और वो शब्द है जो आदि में था, जो परमेश्वर के संग था, जो परमेश्वर के साथ था, जिन्होंने लोगों के साथ बात की, वो शब्द परमेश्वर मनुष्य बनकर आ गया। तीसरा है उनके काम। आपको पता है निकोदमस यहुन्ना की पत्री, सॉरी पत्री नहीं, यहुन्ना की किताब उसके तीसरे अध्याय में निकोदमस जब यीशु मसीह के पास आता है, वो कहता है यदि तेरे संग परमेश्वर ना होता। एक्चुअली जो नहीं, ग्रीक शब्द जो सेंटेंस वहां ओरिजिनल लैंग्वेज में जो बाइबल लिखी गई है, नया नियम लिखा गया है, ओरिजिनल जो शब्द है उनका अर्थ ऐसा होता है कि यदि तुझ में परमेश्वर ना हो, है ना। परमेश्वर को समझने के लिए इस संसार में बहुत सारी बाधाएं है और थी, जैसे कि लैंग्वेज इट्स अ बैरियर, इट्स अ लिमिटेशन। हम हमारे शब्दों से स्वर्ग की या परमेश्वर की सारी बातें बयान नहीं कर पाते हैं। कई बार यदि ऐसे लोगों को आप सुने कि जिन्होंने परमेश्वर को रूबरू देखा है, जो परमेश्वर के संग बात करते हैं, या जिन्होंने जिनको मौका मिला, जैसे डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन अंकल है ना, डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन साहब, साधु सुंदर सेल्वाराज, और भी ऐसे दो लोगों को मैं पर्सनली मिला हूं जो प्रभु के साथ बात करते हैं। वो बताते हैं कि स्वर्ग की बातें बताने के लिए हमारी लैंग्वेज पर्याप्त नहीं है। लैंग्वेज इज अ बैर, एक लिमिटेशन है, एक लिमिट आ जाती है हमारी पृथ्वी की लैंग्वेज की, एक लिमिटेशन है, हम सब कुछ बयां नहीं कर पाते हैं, है ना। निकोदेमस वहां पर कहता है कि यदि तुझ में, एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं वहां ऐसा है, यदि तेरे संग परमेश्वर ना हो। कई बार मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, ये मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि बाइबल भी जैसे कि गुजराती जो ट्रांसलेशन हुआ, वो सब लोग मसीही विश्वासी लोग नहीं थे जिनके द्वारा ट्रांसलेशन हुआ, है ना। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन की सोच भी वहां बैरियर बनी हो सकती है, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, है ना। ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन, ओरिजिनल जो वर्ड, जो लैंग्वेज है जिसमें बाइबल लिखा गया, उसका मतलब ऐसा होता है कि यदि तुझ में परमेश्वर ना हो तो जो तू काम कर रहा है वो कोई कर नहीं पाएगा। वहां पर निकोदेमस जो कोई सामान्य इंसान नहीं था, निकोदेमस उस समय का जो जो लोग नियम संहिता यानी कि परमेश्वर के वचन सीखते थे, उनको सिखाने वाला यह इंसान था। टीचर ऑफ द टीचर्स, जो टीचर्स थे, जो लोगों को सिखाते थे, उनको सिखाने वाला इंसान वो निकोदेमस था। वो एक रब्बी था, रब्बियों को तैयार करने वाला, रब्बियों को सिखाने वाला शिक्षक, मेन मुख्य शिक्षक, मुख्य टीचर निकोदेमस। और वो कहता है यीशु मसीह को आकर कि यदि तुझ में परमेश्वर ना है, ना हो, तो जो काम तू कर रहा है वो तू कर नहीं पाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने कामों के विषय में चेलों को कह रहे हैं? क्योंकि कामों के द्वारा हम इंसान को पहचान सकते हैं, और जो अब नॉर्मल सुपर नेचुरल काम परमेश्वर कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, मेरा विश्वास करो कि पिता मुझ में है और पिता, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के ही कारण विश्वास करो। कौन से काम? चमत्कार, ऑल द बिग थिंग्स जो प्रभु यीशु मसीह ने की, है ना। लंगड़ों को चलता किया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को झिलाया, ये प्यारो आज के जमाने में और उस जमाने में भी, उस समय में भी, ये हैरान कर देने वाली बातें है, है ना। ये यूजुअल नहीं है, ये सुपर नेचुरल बात है, ये चमत्कारिक बातें है,
और प्रभु कहता है कि यीशु भी यहाँ पर कहता है कि मेरा विश्वास करो या तो फिर मेरे कामों के ही कारण विश्वास करो, मेरे कामों के ही कारण विश्वास करो। एक प्रश्न जो मैंने आगे रख छोड़ा था है ना कि प्रभु यीशु मसीह आज कहाँ पर है। हमने सब कुछ जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर शारीर रूप धारण करके आए, हमारे पापों के लिए, इस समस्त संसार के मनुष्यों के पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, उनको गाड़ा गया, उनको दफनाया गया और तीसरे दिन वो पुनरुत्थान हुए। तो फिर प्रश्न ये होता है कि आज यीशु मसीह कहाँ है, आज यीशु मसीह कहाँ है। प्रेरितों के काम आप निकालिए मेरे साथ, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 9वीं आयत हम देखेंगे, पर सिर्फ थोड़े हमें थोड़ा रेफरेंस मिले इसलिए 6ठी आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। 9वीं आयत वर्स 9। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यह देखते है ना, उनके साथ बातें करते और चेले लोग उनको देख रहे हैं और उनके देखते देखते प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाया जा रहा है और समय आया कि वो बादलों में छिप गया और उनकी आंखों से अलोप हो गया, उनकी आंखों से छिप गया। पुनरुत्थान के बाद ये जिंदा प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ये पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह। पुनरुत्थान पाकर शरीर रूप में चेलों के सामने प्रभु यीशु मसीह है। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ, और तब तो उनके चेले बहुत, पहले आपको पता है पहले 12 को नियुक्त किया गया, उसके बाद 70 को नियुक्त किया गया और उनके साथ तो एक समय नहीं आ गया जब बहुत सारे लोग थे। और ये जो घटना हुई 500 से अधिक लोग, 520 500 से अधिक लोग इस घटना के व्यक्तिगत गवाह है और हिस्ट्री भी इसका दावा करती है, हिस्ट्री भी इसको नोट करती है, हिस्ट्री ने इसको नोट में लिया है। आप बहुत सारी हिस्ट्री स्टडी कर सकते हो, हर एक जगह पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, यदि आप उनके पुनरुत्थान के बारे में हिस्ट्री स्टडी करोगे तो कई लोगों ने उनकी गवाही दी है। ये तो 500 से अधिक जिंदा लोग जिन्होंने, जिनकी अपनी आंखों से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बादलों में जाते हुए, स्वर्ग में जाते हुए देखा। यहां पर चेलों के साथ वो 40 दिन पुनरुत्थान पाने के बाद 40 दिन चेलों के साथ वो रहा, उनके साथ खाया, उनके साथ रहा और उनकी आंखों के सामने एलिवेट हुआ है ना, पहले भी मैंने आपको समझाया था एलिवेट हुआ। क्या आपने संपूर्ण मानव इतिहास में यह घटना, ऐसी घटना कभी भी सुनी है किसी के बारे में, किसी कोई इंसान के बारे में आपने सुनी है ऐसी घटना? आप शायद मुझसे कहोगे हितेश भाई, अनोक के बारे में ऐसा लिखा गया है, एलिया के बारे में भी ऐसा लिखा गया है, सही बात है, बट देयर इज सम यूनिकनेस, एक यूनिकनेस है, एक अजोड़ता है जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। हनोक की यदि आप बात करें, जेनेसिस उत्पत्ति 5:24 में, आपसे रेफरेंस लिख लीजिए क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, मैं 40 मिनट में सब कुछ पूरा करना चाहता हूँ। हनोक की यदि हम बात करें तो उत्पत्ति की किताब उसका 5:24, वहां आपको वो पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां पर ऐसा लिखा गया है कि वह लोप हो गया, हिंदी में ऐसा लिखा गया है ना कि वो परमेश्वर के साथ 300 साल तक चला। देखो मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को हनोक के बारे में थोड़ा बहुत बताने के लिए। आपको बहुत कम हनोक के बारे में यहाँ पर मिलता है ना बाइबल में पढ़ने के लिए, पर यहूदा की पत्री हनोक की पुस्तक के बारे में कुछ बताता है ना कि हनोक ने भविष्यवाणी की थी। ये पहला ऐसा इंसान था हनोक
जो जब प्रारंभ में उत्पत्ति में वो था, उत्पत्ति की किताब में जब वो लिखा गया वहां पर लिखा है 300 साल वो परमेश्वर के संग चला। यारो आप सोच सकते हैं, एक इंसान आपके और मेरे जैसा इंसान 300 साल परमेश्वर के संग रहता है, परमेश्वर के संग चला है। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, यदि परमेश्वर के बारे में सबसे ज्यादा कोई जानता होगा तो वो अनोख होगा, इनोख है ना। पर प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य देह धारण करने के पहले की बात करें, पहले यदि परमेश्वर के बारे में सबसे ज्यादा कोई जानता होगा तो वो अनोख। वो 300 साल परमेश्वर के संग चला और एक समय आया कि वो ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, वो ही वॉज रैप्चर्ड। वो रैप्चर उनका परमेश्वर ने, ओरिजिनल यदि आप उनका ट्रांसलेशन करोगे तो ऐसा होगा परमेश्वर ने उनको उठा लिया। किसने? परमेश्वर ने, यानी कि वो उनका अपना सामर्थ्य नहीं था उसमें, परमेश्वर ने उनको उठा लिया। एलिया, दूसरे राजा दूसरा अध्याय और 11वीं आयत, वहां पर वो दूसरे अध्याय में पूरी ये घटना आप पढ़ोगे कि एलिया को पता था कि अभी मेरे जाने का समय आ गया है। और एलिया 11वीं आयत यदि पढ़ो तो ऐसा लिखा गया है, एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया अग्नि रथ और अग्नि घोड़ों के द्वारा। यानी कि वो अपने आप में नहीं गया था, पर अग्नि रथ और अग्नि घोड़े उस बवंडर में, अग्नि रथ और अग्नि घोड़ों ने आकर एलिया को वो ले गए। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात यहां पर करते हैं, ओरिजिनल जो ग्रीक जिस लैंग्वेज में ये बाइबल लिखी गई है ओरिजिनल, उसका लिटरली ट्रांसलेशन करें तो ऐसा होगा कि लिफ्टेड हिमसेल्फ, लिफ्टेड, उन्होंने अपने आप को लिफ्ट किया, यानी कि किसी ने उनको स्वर्ग पर नहीं ले गया, वो अपने आप में ही वॉज एलिवेटेड, ही वॉज लिफ्टेड, ही लिफ्टेड हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप के सामर्थ्य में वो लोगों के देखते, चेलों को देखते वो स्वर्ग में जा रहा है। क्यों मैं स्वर्ग में बोल रहा हूँ, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, है ना। और इसकी यदि आप आगे पढ़ो तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह खुद एलिवेट हुए और बादलों की ओर, बादलों में खो गए, है ना, लोप हो गए, क्योंकि उसके आगे वो चेले लोग जो 520 लोग उसके जिंदा गवाह थे, उस बादलों के आगे वो देख नहीं पा सकते थे। मैं क्यों स्वर्ग में बोल रहा हूँ कि वो स्वर्ग में गए, यीशु को प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 55वीं और 56वीं आयत, वहां पर आपको पता है स्तिफनुस के बारे में ये वचन हमने पहले भी देखा है, 55वीं आयत, परंतु उसने पवित्र, किसने? स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए और स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर वो विराजमान है। He ascended himself, the uniqueness is, उनको किसी दूसरे फोर्स के द्वारा नहीं, पर वो अपने आप में, he lifted himself, उन्होंने अपने आप को लिफ्ट किया, किसी के सामर्थ्य से नहीं, वो खुद एलिवेट हुए और स्वर्ग में गए। शिष्यों के मन में क्या चल रहा होगा इस समय, आप सोचिए, यदि आप उस जगह पर वो चेलों के बीच में होते, आप भी एक शिष्य, एक चेले के रूप में वहां पर उन 500 लोगों की, 520 लोगों की भीड़ में आप होते, आप क्या महसूस करते? क्योंकि वो लोग 3.5 साल इस यीशु के साथ चले थे, वो लोग ये यीशु के साथ रहे थे, उन्होंने बंद आंखों को फिर से दृष्टि पाते हुए देखा था, यीशु ने लंगड़ों को चलते किया था, इस यीशु ने लाजरस और दूसरे भी कई लोगों को जिंदा किया था, वो यीशु के साथ रहे, उनके साथ खाया, उन्होंने यीशु मसीह को, मसीह के क्रूसीय बलिदान को देखा कि वही सामर्थी व्यक्ति, वही चमत्कार करने वाला व्यक्ति क्रूस के ऊपर लोगों के लिए टंगा हुआ था। और ये भविष्यवाणी उन्होंने अपने आप में, उनको सब कुछ पता था, प्रभु यीशु को सब कुछ पता था, उन्होंने एडवांस में चेलों को बता दिया था कि ये आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र मारा जाए, सलीब पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन फिर से जिंदा हो उठे। तब शायद चेले लोग नहीं समझे होंगे, पर ये सारी घटनाएं जब पूरी होती हुई उन्होंने अपनी आंखों से देखी, अब ये शायद
नहीं, अब वो सारी बातें जो यीशु ने उनके बारे में उनको बताई थी वो अब समझ रहे हैं, वो अब समझ रहे हैं। उन्होंने यीशु मसीह के क्रूसीय बलिदान को देखा। यदि उस दिन आप और मैं वहां पर होते, हमारी हमारी सोच क्या होती, हमारी हालत क्या होती? यही चेले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मरते हुए देखा, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पाया और उन्होंने कहा था कि इस संसार के पापों के लिए वो मृत्यु पाया, हमारे पापों के लिए वो मृत्यु पाया, अपनी जान दे दी क्रूस के ऊपर, और शिष्य यीशु मसीह की लाश को उन्होंने कब्र में रखा गया है, कब्र में उनको दफनाया गया है, ये भी उन्होंने देखा था, उनकी बात बारे में सुना था। परंतु यीशु के मृत्यु के बाद तीसरे दिन ऑन द थर्ड डे किसी ने आकर चेलों को बताया, कहा कि वो जी उठा है, वो जी उठा है, मृत्यु उनको रोक नहीं पाई, वो जी उठा है, ही केम बैक टू लाइफ, वो फिर से पुनरुत्थान हुआ है। उनके शिष्य ये विश्वास नहीं कर पाए। किसी ने आकर कहा देखो, और वो दौड़कर, आपको पता है दो चेले नहीं, पतरस और यहूना, दौड़कर, लुका की किताब 24वें अध्याय की हम बात कर रहे हैं ना, हम देखेंगे, वो दौड़कर गए, परंतु कब्र में उनको कोई वहां पर देखने को नहीं मिला। जो जो दो स्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, उनके साथ बात की थी, पुनरुत्थान पाए हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो अभी चेलों को बता रहे थे कि हमने उनको देखा है, वो पुनरुत्थान हुआ है, वो फिर से जू हुए उठा है। चेले लोग जो देख रहे थे वो सिर्फ वो एम्प्टी टूम्ब, वो खाली कब्र को देख रहे थे। पर ये कितना नहीं, शायद सीमित होता है इतना कि खाली कब्र को देखकर ही, खाली कब्र को बताकर हम बात करें कि वो जी उठा है। हाँ, विश्वास के साथ हम विश्वास कर सकते हैं, पर चेले लोग शायद अभी भी वहां पर उतना विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस महिलाओं ने यीशु का दर्शन किया था वह पूरी बातें उनको बता रहे थे, और अभी इन शिष्यों को पता नहीं चल रहा था कि ये जो महिलाएं हैं वो क्या उनको कह रहे हैं, मरियम और दूसरी भी मरियम, वो उनको सारी बातें बता रहे जो उनका अनुभव रहा वो खाली कब्र के सामने, जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र का पत्थर हटा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने बात की, वो सारी घटनाएं उनको बता रहे थे। और चेले डर के मारे, क्योंकि रोमनों का भय था, है ना, रोमनों का भय था, बहुत ही अफरा तफरी मची हुई थी उस समय पर इसराइल में, यरूशलेम में, और डर के मारे चेले लोग एक कोठरी में बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थी, सभी दरवाजे बंद थे, और अपने आप को चेलों ने छुपा लिया था डर के मारे। और सडनली अचानक प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट होते, दीवार उनको रोक नहीं पाई, दरवाजे बंद दरवाजे उनको रोक नहीं पाए, रेजरेक्टेड बॉडी में, पुनरुत्थान पाए हुए आत्मिक शरीर में दीवार को चीरता हुआ, दीवार के पार प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होते हैं, और इसी कारण चेले वहां पर घबरा जाते हैं। लुका रचित सुसमाचार उसका 24वें अध्याय की मैं बात कर रहा हूँ, 36 और आगे, 36वीं आयत से आगे, लुका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, आप सोचिए प्यारो, ये यदि हमारे आंखों के सामने हुआ हो, है ना, आज हमें कई लोगों को अभी भी कई सारी बातों पे विश्वास करने में आश्चर्य होता है। प्यारो मैं आपको बताऊं, बहुत सारी बातें हैं जो लिमिटेशन है इंसान की, एक हमारी सोच, हम फाइनाइट है ना, हम सीमित व्यक्ति, हमारा आयुष्य सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है, हम किसी के सर्जन है किसी की सृष्टि है, किसी के द्वारा रचाए गए है, इनफाइनाइट माइंड से हम इनफाइनाइट गॉड, सीमित बुद्धि शक्ति से, सीमित हमारी मानव शक्ति से हम असीमित परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश करें, वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही संभव है कि हम उनको जान पाए, उनकी बातों पे भरोसा कर पाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शरीर रूप में सभी दरवाजे और सभी खिड़कियां बंद थी, और वो रूम के अंदर यहाँ चेले थे उस कोठरी में आ जाता है। चेले वहां पर घबराए गए, और वहां पर भी वो मानते हैं घबराए हुए थे, इसलिए कि क्या ये भूत तो नहीं, विश्वास नहीं कर पाए। और यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले,
तुम्हें शांति मिले। 36वीं आयत से 49 आयत, सभी आयतें मैं नहीं पढ़ूंगा, पर जो जो जरूरी है उतना ही हम देखेंगे। ये घर पे आप स्टडी करिए, पढ़िए, है ना। और यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले, मेरे हाथ और पांव को देखो कि मैं वही हूं। यहाँ चेले विश्वास नहीं कर पा रहे थे पुनरुत्थान पाए हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, विश्वास नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, मेरे हाथ और पांव को देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते जैसा मुझ में देखते हो। फिर भी चेले आनंद और आश्चर्य से, एक भय मिश्रित आश्चर्य, एक भय जिसमें भय भी है और आनंद भी है, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा है जो उनकी आंखों के सामने वो देख रहे हैं, है ना। ये हमारा सीमित मन, हमारा सीमित माइंड शायद सब कुछ ना समझ पाए। चेलों के साथ क्या हो रहा था वो समझने की मैंने कोशिश की थोड़ी बहुत, वहां पर बैठ के यदि मैं वहां पर होता तो कैसी परिस्थिति होती, है ना। ये चेले लोग यहाँ एक आश्चर्य भी है, एक थोड़ा भय भी है, और जो उनकी आंखों के सामने जो देख रहे हैं, एक खुशी भी है कि उनका प्रभु, उनका गुरु रब्बी अभी जिंदा हो चुका है, जैसा उसने कहा था वो पूरा हो चुका है, वो जिंदा हो चुका है। और अभी भी उनका डाउट क्लियर हो, उनको कोई डाउट ना रहे, इसलिए प्रभु उनसे कह पूछता है, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? क्योंकि नहीं, आत्मा को ऐसे भोजन की जरूरत नहीं है ऐसे खाने की, पर शरीर रूप में पुनरुत्थान पाकर वो उनके सामने है, वो उनको जाहिर हो, चेले लोग विश्वास कर सके, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये पूछा था उनको। और उन्होंने उनके पास जो था मछली उनको दी, और उन्होंने लेकर उनके सामने खाया। एक एक वर्ड देखो वहां पर लिखा है, उनके सामने खाया। क्यों ये बातें लिखी है? क्योंकि चेले लोग शायद वहां पर अभी भी उनको पूरी बातें विश्वास नहीं हो रही, है ना। नाउ अभी शिष्यों के मन में विचार उठे होंगे, कौन है ये प्रभु यीशु मसीह? हमने उनको पानी पर चलते हुए देखा है, हमने उनको कई चमत्कार करते हुए देखा है, हमने उनको पेड़ के साथ बात करते हुए देखा है। पेड़ पता है आपको, याद है ना, पेड़ को उन्होंने कहा था कि कल नहीं तू फल नहीं लाया है, और पेड़ के साथ जब उन्होंने बात की वो पेड़ सूख गया। उन्होंने समंदर के साथ, हवा के साथ, भवंडर के साथ प्रभु यीशु मसीह को बात करते देखा, सिर्फ बात करते नहीं पर कमांड देते हुए, हुक्म करते हुए, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा उन्होंने फॉलो किया, वो उनको करना पड़ा। सब उनके अधिकार मानते थे, ये सब बातें चेलों ने देखी थी, शायद तब सब बातें वो समझ नहीं पाए, पर अभी वो जान रहे हैं हु इस मैन जीसस इज, ये प्रभु यीशु मसीह कौन है। चेले तैयार नहीं थे शायद ये पुनरुत्थान को समझने के लिए कि हाँ, कोई इंसान मरने के बाद फिर से पुनरुत्थान पाए। आपको पता है लाजर और दूसरे भी लोग जो याई की बेटी थी, और ऐसे जितने भी लोग जिनको जिंदा किया गया, है ना, जिंदा किया गया। क्यों? क्योंकि जो बातें होने वाली थी, मेरा यह मानना है कि चेले लोग तभी से ये पुनरुत्थान को समझने के लिए तैयार हो, इसीलिए वो चमत्कार परमेश्वर ने किए थे कि वो समझ पाए जब प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठे। पुनरुत्थान को समझने के लिए अब चेले तैयार हो रहे हैं, और जब उन्होंने मान लिया, विश्वास किया, तो एक ईगरनेस होता है ना, एक एंथुजियाज्म होता है कि हम जाके दुनिया को बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है, हम लोगों को जाकर बताएंगे। शिष्य लोग तैयार हो रहे थे पुनरुत्थान की बात पूरे यरूशलेम में, पूरे इसराइल में बताने के लिए। यह पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु 40 दिन और 40 रात उनके संग रहता है, उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में पुनरुत्थान होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाता है। ये परमेश्वर के किंगडम, गॉस्पल ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। प्यारो, जितना भी हो सके, नहीं ये विषय के हटकर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जितना भी हो सके परमेश्वर के राज्य के बारे में आप पढ़िए, जानिए, सीखिए। आखिर में यदि रिविलेशन की किताब आप पढ़ो, सनातन सुसमाचार जिसको कहा गया है, एग्जैक्ट नहीं रेफरेंस और वो अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये विषय से हटकर है, सनातन सुसमाचार की बात की गई है रिविलेशन के पुस्तक में, वो राज्य का सुसमाचार है।
बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं सब कुछ नहीं, ये विषय से हटकर हो जाएगा, हम विषय में वापिस आते हैं। परमेश्वर के राज्य के बारे में, गलील में उनके संग फिरा, और सिर्फ चेले नहीं और भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। हिस्ट्री इसका दावा करती है, जिन जिन लोगों ने उनको देखा, जिन जिन लोगों ने उनके साथ बात की। यारो हमारे पास समय लिमिट है, लिमिटेड होता है ना, हम पूरी बातें, पूरा रेफरेंस, यहाँ पर इस व्यक्ति ने ये लिखा वो लिखा हम नहीं बता सकते, पर हम वचन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। देखो हिस्ट्री में भी एक बात आप ध्यान में रखें, कई बाइबल के टीचर्स एक भूल हमेशा करते हैं, हिस्ट्री इंसानों के द्वारा लिखी गई है ना, इंसानों के द्वारा लिखी गई है। जब इस हिस्ट्री का आप आधार ले सकते हो, है ना, बातें को समझने के लिए, पर फाइनल अथॉरिटी, फाइनल जो है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन को आधार देता है हिस्ट्री, ताकि लोग जो हिस्ट्री पे विश्वास करे, जो ऐसा विश्वास करे थोमा जैसे, नहीं मैं तो उंगली ना डाल के ही विश्वास करूंगा, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर रहा हूं। तो जो लोग जैसे माने, है ना, वैसे आधार इस पृथ्वी के ऊपर है, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और उद्धार पाए, क्योंकि उनके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, उनके अलावा और कोई जीवन है ही नहीं, उनके अलावा और कोई सत्य है ही नहीं। तो हिस्ट्री हमेशा जो भूल होती है कि हिस्ट्री को जब आप देखोगे तो हिस्ट्री के लोग, हिस्टोरियन उनको इंसान के रूप में प्रकट करते हैं, पर वहां पर परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत्व वो चूक जाते हैं। इसीलिए कई बार लोग ऐसी बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं पता था, उन्होंने खोजा अपने आप को। ये मैं व्यक्तिगत रूप में इसको नहीं मानता हूं कि यीशु ने अपने आप को खोजा, कि वो सब को, एक 12 वर्ष का इंसान, एक 12 वर्ष का टीनेज भी नहीं हुए, 13 से टीनेज शुरू होता है ना, 12 वर्ष का बेटा है ना, 12 वर्ष का लड़का, अच्छे अच्छे शास्त्रियों के प्रश्नों का उत्तर देता है, आप क्या कहोगे उनको? और ये बाइबल में ही रिकॉर्ड किया गया है ना, बाइबल में ही इसके बारे में, क्या कहोगे आप उनके बारे में? 12 वर्ष का लड़का मंदिर के अंदर अच्छे अच्छे विद्वानों को उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा है, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा है, क्या बताएंगे हिस्टोरियन को? मनुष्य बताएंगे या परमेश्वर बताएंगे? तो कहने का मतलब है, कभी भी मत भूल जाइए, प्रभु यीशु मसीह संसार में 100% मनुष्य था, एट द सेम टाइम वो 100% परमेश्वर भी था। ये कभी मत भूल जाइए, ये गलती कभी मत करना। सिर्फ हिस्ट्री को देखोगे आप, मनुष्यत्व, उसका मनुष्यत्व देखोगे, पर डिविनिटी को आप छोड़ मत दो उसके साथ, है ना, हिस्ट्री के साथ साथ डिविनिटी मत छोड़ दो, उसको भूल मत जाओ। कई हिस्टोरियन ने ये रिकॉर्ड किया है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह सच में जिंदा हुए और लोगों के संग रहे। हम आगे बढ़े, लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि कई लोगों ने, है ना, उस समय नहीं विश्वास किया होगा, क्योंकि वो उनकी मम्मी मरियम को जानते थे। हमारा फाइनाइट नहीं, जो हमारी आंखों के सामने हम देखते हैं वही हम मानते हैं। ऐसे तो कई सारे हमारे भी अनुभव है कि नहीं, आप जहां पर रहते हो, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, जिन लोगों के संग आप, आपके भी अनुभव रहे होंगे कि सब कुछ वो आपके बारे में, जो बाहर लोग आपकी जो भी बातें हैं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि आप उनके क्लोज हो, आप उनके साथ हो। कई लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया होगा कि हाँ वो फिर से जिंदा हो गया। कई लोग तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे अपनी आंखों के सामने कि क्या ये यही इंसान है जिनको थोड़े समय पहले क्रूस के ऊपर जड़ दिया गया था, उनको मार दिया गया था, और वे वो फिर से जी उठा, कैसे ये संभव है? कई लोग नहीं मान पा रहे थे, और लिमिटेशन है ना हमारे दिमाग की, कई लोग ने नहीं माना था, पर विश्वास किया भी कई लोगों ने। उनके खुद के भाई जो नहीं, मरियम और यूसुफ के द्वारा, यानी कि ऐसा यीशु के स्टेप ब्रदर्स और सिस्टर्स ऐसे आप बोल सकते हो, वो उनके साथ एक घर में रहते थे, उनके साथ खाया होगा, एक ही घर में वो रहते थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में निकाले, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय और 23वीं आयत, कुछ कुछ बातें हम यीशु के बारे में देखते हैं। 8वां अध्याय, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय और 23वीं आयत, उसने उनसे कहा था जब वो जिंदा था, है ना, तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो मैं संसार का नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें लोगों को बताई होगी,
आप सोचिए प्यारो, उस जगह पर जाकर सोचने की कोशिश करिए, सॉरी, आप उस जगह पर जाकर कोशिश करिए, यदि कोई इंसान आपके सामने बोले कि तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूं, यानी कि स्वर्ग का हूं, इस संसार का नहीं, तुम इस संसार के हो मैं इस संसार का नहीं, तब शायद वो चेले लोग नहीं समझ पाए होंगे। पर पुनरुत्थान पाने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह उनके संग थे, सभी लोग अब समझ रहे होंगे कि जो जो उन्होंने बोला है वो पूरा कर रहा है, वो सच में 100% वास्तव में सही है। दूसरा एक वचन देखते हैं, यीशु ने कहा था यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना 6 और उसका 62-62 आयत, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। जब वो जिंदा था, अभी वो मरा नहीं था, जिंदा था और लोगों के बीच में था, लोग उनके कई बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनके कहते हैं कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को, यानी कि यीशु को अपने बारे में बात करते, आपकी आंखों के सामने स्वर्ग में चढ़ते हुए, आसमान में चढ़ते हुए देखोगे तो क्या होगा। और अब ये चेले सभी बातें समझ रहे थे कि जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, अपने इस पृथ्वी के ऊपर के जीवन में उनके साथ की थी, अब पुनरुत्थान पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह जब एलिवेट होकर अपने आप में जब वो स्वर्ग में चढ़ गए, अब चेले लोग सब कुछ समझ रहे हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, वो परमेश्वर का पुत्र था। वापिस से हम आ जाते हैं प्रेरितों के काम 1:9 में, प्रेरितों के काम 1:9 में, यीशु मसीह उठा लिया जा रहा है, उनके पैर अब जमीन से धीरे 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 शिष्य लोग के देखते हवा में ऊपर आ रहे हैं। आप वहां पर अपने आप को महसूस करिए प्यारों, कि आप अपने आंखों के सामने देख रहे हो ये सब बातें, वो चेलों के सामने एलिवेट हो रहे हैं, उनसे उनके उनके साथ बात कर रहे थे और बात करते करते वो उनके आंखों के सामने एलिवेट हो रहे हैं, अपने आप में, अपने आप के सामर्थ में और हवा में, और जाते ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और बादलों ने उनको छिपा दिया। और चेले अब समझ रहे थे, शायद उनकी आंखों में आंसू होंगे, ओ मेरे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, तो सच में परमेश्वर था, तो सच में परमेश्वर है, आप हमारे संग रहे, यीशु जो हमारे साथ रहा और हम उनके संग रहे, फिर भी हमने उनको नहीं पहचाना कि वो परमेश्वर था, हमने उनके साथ खाया फिर भी हमने उनको नहीं पहचाना, हम 3.5 साल उनके संग फिरे, सभी चमत्कार हमने देखे, आंधी को शांत करते हुए देखा, बहुत सारी अद्भुत चमत्कारी बातें देखी, फिर भी हमने उनको नहीं पहचाना, वो स्वर्ग से आया और हमने उनको नहीं पहचाना। हर एक लोग रो रहे होंगे, उनकी आंख में आंसू होंगे, वहां पर उनके भाई, उनके बहने, वहां पर मौजूद लोगों ने अब शायद विश्वास किया होगा, मरियम ने, जो उनकी मम्मी थी, माँ मरियम ने उनको बताया होगा पहले कि कैसे वो जब कवारी थी, कवारी स्त्री के द्वारा उनका जन्म, उन्होंने बताया होगा कि जब मैं कवारी थी तब परमेश्वर के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में गर्भवती हुई और ये बच्चा पैदा हुआ। उनका जन्म एक यूनिक था, उनका जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक चमत्कार था, उनका मृत्यु के बाद जी उठना एक चमत्कार था। मरियम ने उनको, लोगों को कहा होगा, पर शायद सब लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा, पर अब नाउ दे नो कि सच में, वास्तव में वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है। सी, इसके बाद जब यीशु मसीह एलिवेट होते हैं, आप पढ़िए, है ना, मत्ती 28 उसको रिकॉर्ड करती है, 18 और 19 आयत में उन्होंने नहीं आखिरी में एक बात उनको बताई, और यीशु ने मत्ती 28:18-19 में उनको बात बताई थी। यहाँ पर देखो प्यारो, यीशु मसीह देह में, सदेह में परमेश्वर, कुमारी के द्वारा जन्मा, परमेश्वर का पुत्र जो शरीर रूप में इस संसार में आया, आपके मेरे और समस्त मानव जात के लिए उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान किया, वो मारा गया, हमारे उद्धारकर्ता के रूप में वो मारा गया, तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा, मृत्यु उनको रोक नहीं पाई, सामर्थ्य में वो पुनरुत्थान हुआ, लोगों के आंखों के सामने, 500 से अधिक लोगों की आंखों के सामने वो स्वर्ग में चढ़ गया,
परमेश्वर की महिमा में जा बैठा और उन्होंने चाहते चाहते यहां पर चेलों को आदेश दिया कि जाओ और पृथ्वी की छोर तक मेरा प्रचार करो, पृथ्वी की छोर तक मेरा प्रचार करो। सी द डिफिकल्टी, एक पुनरुत्थान पाए हुए परमेश्वर, एक इंसान जो लोगों के साथ रहा, आप वहां का उस समय का नहीं डिफिकल्टी सोचिए चेलों की, जिन लोगों के बीच में वो रहे थे, जिन लोगों के संग वो चले थे। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ और ये पुनरुत्थान पाए हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को अब बताना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मैं कहा अंत में उनको, जाओ और पृथ्वी की छोर तक मेरा प्रचार करो। कैसे कैसे ये सब बातें हम बताएंगे? चेलों के मन में भी एक उत्सुकता तो थी कि हम प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताएंगे, पर कैसे बताएंगे? सी द डिफिकल्टी ऑफ द गॉस्पल। पर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए उनको कहते हैं, यीशु ने उनको कहा था कि अभी मत जाना, लुका 24 और 49 आयत, लुका रचित सुसमाचार 24, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। उन्होंने जाते जाने के पहले ही कह दिया था। और प्रेरितों के काम 1 और 8 पहला अध्याय और 8वीं आयत में प्रभु उनको याद भी दिलाते हैं, है ना, फिर से कहते हैं प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 8वीं आयत, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब तक पिता का यह वचन पूरा ना हो यरूशलेम में ही रहो, क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि आप जब जाओगे बिना पवित्र आत्मा के, बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के लोग विश्वास नहीं करेंगे। यरूशलेम में ही रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए। हम किसी को भी, यार एक बात समझिए, हमारी बुद्धि शक्ति से, हमारे ज्ञान से, हमारी पढ़ाई से हम किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे, है ना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हम हमारी बुद्धिमत्ता से, हमारे ज्ञान से, ये अलौकिक बातें हमने जो देखी है ना, वो अपने आप में अजोड़ता है। वर्जिन बर्थ, एक कुमारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जन्मा था, हजारों की लाखों की भीड़ के सामने उनको मार दिया गया था। ऐसा कोई भी नहीं था जो यरूशलेम में उन दिनों में जो हुआ था वो नहीं जानता था। आपको पता है एमोस के मार्ग पर वो दो चेले पुनरुत्थान पाए हुए यीशु को मिलते हैं, पर वो पहचानते नहीं है क्योंकि वो पुनरुत्थान पाया हुआ आत्मिक शरीर था, है ना, आत्मिक रूप में वो थे और पहचानते नहीं है। और वो कहते हैं, क्या यरूशलेम में जो हुआ है, इसराइल में जो हुआ है, तू नहीं जानता? ये कैसे मुमकिन है? मतलब कि पूरा इसराइल ये बात जानता था कि यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जड़ दिया गया है और एक वो मृत्यु पाया है। लोग ऐसा ही समझते कि हाँ उनको मार दिया है, पर वही इंसान जब फिर से जिंदा हुआ, पुनरुत्थान हुआ, ये बात अब लोगों को जाकर बतानी। और इसीलिए प्रभु कहता है कि आप वेट करना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम भी आएगा और तब तुम यहूदिया और पूरे यरूशलेम में जाकर प्रचार करोगे। देयर इज नो वे टू कन्विंस पीपल अबाउट जीसस विदाउट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के अलावा, पवित्र आत्मा के बगैर कोई ऐसा हमारी एबिलिटी से हम कर ही नहीं पाते। और इसीलिए यदि कोई पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस समय सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, हम हमारे सामर्थ्य से नहीं कह रहे, पर पवित्र आत्मा हमें, ये हमसे रहा ही नहीं जाता कि हम प्रभु यीशु के बारे में ना बताएं, क्योंकि वो उनका काम है जो हम में रहकर पवित्र आत्मा, क्योंकि आज पवित्र आत्मा हम में है और हमारे द्वारा परमेश्वर का आत्मा आज लोगों से प्रभु यीशु मसीह की पहचान ले जाते हैं। How can you prove it? जो भी बातें हमने कही है ना, उनका वर्जिन बर्थ, उनका क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाना, उनका दफन होना, उनको पुनरुत्थान होना, और पुनरुत्थान के बाद वो लोगों के बीच में रहा और उन्होंने जो काम किए थे, जो उन्होंने, उनका मुख्य काम था इस संसार का उद्धार और
उन परमेश्वर का मनुष्य देह धारण करना, उसके साथ बहुत सारे काम जुड़े थे, पर जो यूनिवर्सल विल जिसको बोल सकते हैं वो थे मनुष्य का उद्धार, है ना, मनुष्य का उद्धार, मनुष्य के पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनके बलिदान के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। ये सब बातें अब जाकर लोगों को बतानी है, कैसे हम बताएंगे और कैसे लोग विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निकालिए, यीशु ने हमें उनका नाम दिया है, है ना, उनका नाम दिया है, प्रे इन माय नेम, मेरा नाम लेकर आप कहना, यूहन्ना उसका 16 अध्याय 21वीं आयत से आगे 23वीं और 24वीं आयत, हम समय बचाने के लिए पढ़ते हैं, समय थोड़ा ही है और मैं पूरा करूंगा तुरंत। 23वीं आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। कैसे? मेरे नाम से। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह अपने आप के बारे में कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना नाम दिया है, अपना नाम दिया है कि आप मेरे नाम का उपयोग करो, मेरे नाम से तुम मांगो। आज चमत्कार क्यों होते हैं, क्यों इस संसार में चमत्कार होते हैं? जब यीशु का नाम लेते हैं, इस संसार के ऊपर अपने आप को प्रकट करने के लिए उन्होंने अपना नाम दिया है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह के नाम का उपयोग करते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहने लगता है, प्रकट होता है। प्रभु यीशु का नाम, पवित्र आत्मा वहां पर, जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, पवित्र आत्मा मूव करता है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से काम करता है। आज उसका हम नहीं प्रैक्टिकल करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे अंत में जब हम प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी दिक्कत हो, आपका आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, जो कुछ भी, जहां कहीं भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरे नाम से मांगो और आपके लिए वो करेंगे, है ना। हम अंत में, क्यों चमत्कार होते हैं? उनका नाम है जो चमत्कार होने के लिए, उन्होंने कहा है मेरे नाम से मांगो और चमत्कार होगा। और जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वो वचन हम निकालेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं मौजूद हूं, उनके बीच में मैं मौजूद हूं, उनके बीच में मिडस्ट अवर मिडस्ट। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु यीशु मसीह वास्तव में हमारे बीच में, मध्य में उपस्थित होते हैं। उन्होंने कहा, प्रे इन माय नेम, मेरे नाम का उपयोग करें। एक आखिरी आयत लेकर हम आज का बाइबल स्टडी पूरा करेंगे, तीसरा अध्याय, आप प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय, आपको सारी बातें पता है ना, पत्रस और यूहन्ना वो सुंदर नाम के दरवाजे के आकर जाते हैं, और एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को, इसके साथ एक गवाही भी मैं दूंगा आपको, है ना। वहां पर पत्रस और यूहन्ना से उनको कुछ मिले, उसके लिए वो नहीं, उनसे कुछ शायद उनको प्राप्त हो, ऐसी नजरों से, ऐसी निगाहों से उनकी ओर वो देखता है। पर पत्रस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, अतः चौथी आयत से, पत्रस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। ये सबसे पहले चेले जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के बाद जब निकले, है ना, सबसे पहला चमत्कार जो रिकॉर्ड किया गया है, क्या वहां पर वो क्या करते हैं, देखिए आप, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। क्या? जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। और क्या कहता है पितर? यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। क्या कहता है पत्रस वहां? मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। और क्या देता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह का नाम उनको देता है, प्रभु यीशु मसीह उनको देता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और सारी घटना आप जानते हो कि वो कूद कर खड़ा होता है और परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, और तुरंत वो मंदिर में जाता है। वहां पर चेलों ने
प्रभु यीशु मसीह का नाम उनको दिया और प्रभु यीशु मसीह का नाम वहां पर काम करता है। वो व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, है ना, ऐसा नहीं कि उनको कुछ हो गया था और वो चल नहीं पा, जन्म से लंगड़ा व्यक्ति वो नहीं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और चलने लगता है, कूदने लगता है, परमेश्वर की आराधना करता है। एक गवाही मैं आपको देना चाहता हूँ। जब मैं तब फुल टाइम सेवकाई में जस्ट मेरी शुरुआत थी, मैं हाउस ऑफ प्रेयर के साथ तब नहीं, हमारे भाइयों के साथ नहीं था, मैं आनंद में लोगों के बीच में, रास्तों पे, हॉस्पिटल में लोगों के बीच में जाता था, प्रार्थना करता था। तो एक भाई को वो अपने टेरेस पर से नीचे गिर गए थे और उनका उनका पैर पैर का ऑपरेशन किया गया था, और यहाँ पर एक कृष्णा मेडिकल हॉस्पिटल है, कृष्णा हॉस्पिटल, वहां पर मैं और साथ दो तीन लोग थे, हम दुआ करने के लिए गए थे। और जैसे ही मैं वहां पर गया, मुझे यही बातें मेरे ध्यान में आई और यही रेफरेंस लेकर मैंने वहां पर प्रार्थना की, और प्रार्थना के बाद है ना वो भाई रोने लगे, वो भाई रोने लगे, बड़े यानी कि उम्र में, उतने भी बड़े नहीं, जवान, उतने जवान भी नहीं, उतने भी बड़े नहीं, शायद अराउंड 40 इयर्स या 42 के आसपास उनकी आयु होगी। प्रार्थना के बाद वो रोने लगे। तो जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, मैंने यही रेफरेंस के जैसे मैं सुंदर नाम के दरवाजे के ऊपर प्रभु तेरे दासों ने प्रार्थना की, आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे नाम से कि डॉक्टरों ने चाहे जो कुछ भी बोला हो, 2 महीना 3 महीना, पर ये भाई 15 दिन में अपने पैरों पर चलने फिरने लगे। उसी दिन उनका ऑपरेशन हुआ था, उनकी हड्डी टूट गई थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, और प्रार्थना के बाद वो रोने लगे। उन्होंने क्या कहा, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में आप क्या नहीं माने या, पर उन्होंने कहा जब आप आए आज से 2013 या 14 की शायद 14 की बात होगी, 14-15 की बात, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि जब आप आए तो मेरे मन में मैं सोच रहा था कि ये छोटे छोटे बच्चे क्या परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकल गए, ये छोटे छोटे बच्चे क्या परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकल गए। हमारा हो सकता है ना, हमारा बैकग्राउंड उनको मालूम नहीं हो, वो सब बातें मायने नहीं करते, मायने जो करता है वो है यीशु का नाम जो वहां पर काम किया। और उन्होंने बताया कि जब आपने प्रार्थना की, एक करंट, इतना सामर्थी करंट मेरे शरीर में से पसार हो गया, और जो पेन मुझे हो रहा था अभी मैं एकदम रिलैक्स हूँ, और जैसे मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं मेरा मेरे पैर में कुछ तकलीफ है या मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है। और वो रोते रोते ये बात मुझे बता रहे थे, और जितने लोग मेरे साथ थे वो बातें वो सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये क्या छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए निकल पड़े हैं। पर जब परमेश्वर ने उनको छुआ, उन्होंने कहा कि मुझे माफ करो कि मैंने मेरे मन में ऐसा सोचा। यारो परमेश्वर के सामर्थ्य ने वहां पर काम किया। जब भी हम यीशु का नाम लेते हैं, परमेश्वर का आत्मा सामर्थी रूप में काम करता है। और वो भाई थोड़े ही दिन में चलने लगे, आनंद के वो भाई है ना। और कहने का तात्पर्य है, प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें दिया गया है, उस नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे वो होगा, और उसके नाम के द्वारा जो सामर्थ के काम होंगे वो सामर्थ के काम इस दुनिया के लिए वो गवाह होंगे कि सच में, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह इस संसार का परमेश्वर है और उनके नाम में सब कुछ संभव है। वचन कहता है मनुष्य के लिए जो संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। काम करने वाला, चमत्कार करने वाला इंसान नहीं है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रभु यीशु मसीह खुद है। यही बातें आप पत्रस की आगे की सेवकाई में देखो, एक जगह पर वो प्रार्थना करता है कि प्रभु जब हम, क्योंकि वो जानता है कि ये बातें लोगों के सामने जब ले जाएंगे, है ना, वो ले जाता है और वो कहता है कि प्रभु जब हम तेरा नाम ले लोगों के सामने, प्रभु तेरा सामर्थी हाथ लोगों को छुए और उनको चंगा करे। जब हम तेरा नाम ले प्रभु सामर्थ के काम हो, क्योंकि इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए सामर्थ के काम ही है जो गवाह है। आपको एक और बात करके हम पूरा करेंगे, आखिरी दुआ करेंगे। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, जब उनको जेल के अंदर रखा गया था, वो जिन्होंने खुद प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया,
जिन्होंने खुद अपनी आंखों से, अपनी आत्मिक आंखों से पवित्र आत्मा को नहीं, वो डव के रूप में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आते हुए देखा, जिन्होंने खुद आंद्रिया और दूसरा एक जो चेला जो योहन्ना बपतिस्मा करने वाले का चेला था, उनको कहा था कि देखो परमेश्वर का मेमना। यदि यीशु मसीह को सबसे पहले किसी ने बताया था तो वो था योहन्ना बपतिस्मा करने वाला। उन्होंने आंद्रिया और दूसरे चेले को जिनका नाम वहां लिखा नहीं गया, उनको कहा था देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप अपने ऊपर ले लेता है, हरण करता है, जगत के पाप अपने ऊपर ले लेता है। वही यूहन्ना जब जेल के अंदर था, वो अपने चेलों को भेजता है कि जाकर उनको पूछो, यीशु को पूछो कि जो आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो उद्धारकर्ता आने वाला है, परमेश्वर जो मनुष्य देह धारण करेगा, वो मसीहा जो भविष्यवाणी है वो तुझ में ही पूरी हो रही है, क्या तू वही है या हमें किसी और की राह देखनी है। वहां प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते, बहुत ही समझने लायक। और देखो प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, है ना, यानी कि सामर्थ के काम हो रहे, चमत्कार हो रहे। प्रभु यीशु मसीह क्या ये उत्तर था जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने उनको प्रश्न पूछा था अपने चेलों के जरिए, जाके पूछो कि क्या हमें किसी और की राह देखनी है या तू ही वो है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सामर्थ के काम हो रहे, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे, प्यारो पवित्र आत्मा सामर्थ की रीति से काम करेगा। हाँ, ये हम आंखें बंद करते हैं। मैं आपको समय देना चाहता हूं। अंत में मैं एक ही वाक्य बोलूंगा और हम प्रार्थना को पूरी करेंगे। आपकी जो कुछ भी जरूरत है प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा नाम लेकर आप मांगिए और आपका आनंद पूर्ण हो, संपूर्ण हो, आपका आनंद पूरा हो, इसलिए मैं वो आपके लिए करूं। ऐसी कोई परेशानी है, आप डिप्रेशन में हो, ऐसी कोई परेशानी है, क्या बीमार हो, क्या घर में पारिवारिक कोई समस्या है, क्या तकलीफ है, जो भी हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर, ये समय आपके लिए है प्यारे, ये समय आपके लिए, आप व्यक्तिगत रूप में मांगिए परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर कहिए कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरे लिए संसार में आया, तू मेरे लिए मारा गया, मेरे उद्धार के लिए अपने आप का तूने बलिदान किया, तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, और जैसा तेरा वचन कहता है, जैसा तूने कहा है कि मेरे नाम से मांगो, आप कहिए कि प्रभु यीशु मसीह आज इस वक्त मैं तेरे नाम से मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूं, और जो कुछ भी आपकी जरूरत है आप मांगिए, आप मांगिए प्यारो, ये समय आपके लिए है, मैं आपको देता हूं, आप मांगिए, अनुभव करिए और देखिए कि परमेश्वर कितना भला है, अनुभव करिए, जो जो प्रॉमिस ऑलरेडी उन्होंने दी है आप अनुभव करिए, वचन का अनुभव करिए, व्यक्तिगत अनुभव करिए, ताकि आप सच में मानोगे कि हाँ यीशु ही परमेश्वर। ये समय आपके लिए है, आप मांगना जारी रखिए, जो कुछ भी आपकी जरूरत है आप मांगिए। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपके वचनों के लिए, आपकी प्रोमिसेस के लिए। हर एक प्रोमिस प्रभु तूने पूरी की है और तू वायदों का पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपने कहा है कि मेरे नाम से आप जो कुछ भी मांगोगे आपके लिए वो किया जाएगा। प्रभु आज तेरे नाम से हमारे सभी भाइयों और बहनों ने, जो कोई भी मुझे सुन रहा है भविष्य में ये वीडियो के द्वारा सुनने वाला है, प्रभु जो कुछ भी वो मांगे, प्रभु यीशु मसीह नाज़रेत, पुनरुत्थान पाए हुए प्रभु यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से
वो सारी बातें उनके लिए पूरी हो जाए यीशु मसीह नाजरी के नाम से। प्रभु आपने ऐसा किया है, हम धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के ऊपर हमने विश्वास किया है और वो हो चुका है, हम धन्यवाद करते हैं। हमारी ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपने सुनी है, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम सभी आपके हाथों में समर्पित होते हैं इन दिनों में। प्रभु आप और भी हमें तैयार कीजिए, आपके विषय में और भी गहराई से हम जाने, हम समझे, और परमेश्वर पिता आपकी पहचान में और आपके साथ के संबंध में हम बढ़ते जाए, ताकि प्रभु जैसे पिता की इच्छा है रोमनों की पत्री में वो जाहिर है कि हर कोई उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रतिमा समान बने, हम प्रभु यीशु मसीह आपके समान बनते जाए और वो आपको जानने के द्वारा ही पॉसिबल है। प्रभु और भी हम आपके बारे में जाने, आपको पहचाने, आपके साथ के हमारे व्यक्तिगत संबंध हो, आपके साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ता हो, और प्रभु हम आपकी आपके जैसे बनते जाए, आपके प्रतिमा के समान हम बनते जाए, जैसे आप हो वैसा प्रभु आप हमें बनाइए, प्रभु यीशु मसीह नाज़रे के नाम से। आमेन, आमेन।